क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का लेक्चर? बढ़िया, तैयार है सब लोग? हाँ, आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग अभी भी मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। आधे लोग तो शायद संन्यास ले चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। कोई बात नहीं, बढ़िया चैप्टर है, भले रहिए। मेनू में आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम बातचीत करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट? ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके पहले आपने कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिए हैं? ए पॉइंट में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर आपको याद आएगा तो। बी में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, जिसको हमने कल रात पढ़ा। ये दो चीजें आपके लिए डन हो चुकी है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तीसरा और आखिरी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे वापस जाएंगे। और ये बहुत सिंपल चीज, टॉपिक का नाम पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि एक जगह पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और उन सबको बोला गया कि तुम्हारा पोटेंशियल बताओ एक पॉइंट पे। जैसे कि हो सकता है यहां पे कोई चार्ज है जिसका नाम Q1 है, हो सकता है यहां पे एक चार्ज है उसका नाम Q2 है, यहां पे एक चार्ज है उनका नाम Q3 है, यहां पे एक चार्ज है उनका नाम Q4 है। इन चारों चार्जेस से कहा गया कि क्या तुम्हें सेंटर में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पे? सबने कहा हां। तो इन चारों से यह कहा गया कि बताओ तुम्हारा पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है। सपोज कीजिए चारों लोगों की हमने इस पॉइंट से दूरी ड्रॉ कर दी, इस तरह से चारों लोगों की दूरी बनाना जरूरी है। ये चारों लोगों की दूरी हमने बनाई, ये चारों लोग मिलके एक सिस्टम का हिस्सा है और हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या आप जानते हैं डाइपोल के टाइम पे हमने एक तरह की थोड़ी एक्टिंग की थी, वो एक्टिंग क्या थी बताओ? हमने कुछ तो ऐसा ड्रामा किया था डाइपोल के टाइम पे और वो ड्रामे की वजह से हमको बहुत फायदा हुआ था। बोलो वो ड्रामा क्या था? कल रात में वो ड्रामा हुआ बताओ? नहीं, डीआर तो निकाला पर हम एक ड्रामा कर रहे थे क्या? हमने डाइपोल के दोनों चार्जेस को ऐसा बोला कि सबसे पहले हम तुमको अकेला अकेला देखेंगे, उसके बाद हम तुमको एक साथ देखेंगे। याद है मैंने तुमको सिखाया था चीज? डू यू रिमेंबर दिस थिंग? हमने पहले डाइपोल का V1 निकाला, फिर डाइपोल का V2 निकाला, फिर दोनों को बोला अहिला तुम डाइपोल है क्या, फिर V1 प्लस V2 कर दिया। याद है पहले अकेला अकेला किया बाद में एक साथ कर दिया। क्या हम वो टेक्निक यहां लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? समझो Q1 चार्ज एक R1 नाम की दूरी पे है, Q2 चार्ज एक R2 नाम की दूरी पे है, Q3 R3 और Q4 R4 की दूरी पे है। क्लास जस्ट अ मिनट,
क्लास रियली सॉरी समबडी ऑन द डोर. हाँ मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, अरे मैं क्या बोल रहा था, हेलो, अच्छा एक्टिंग करने का. हाँ 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 एक काम करता है, एक काम करता है, सबसे पहले ना V1 निकालते हैं. V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, V1 होगा Q1 का पोटेंशियल रेड वाले पॉइंट पे. तो इसका फॉर्मूला कैसे है भाई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, सही है. V2 यानी कि इस Q2 का पोटेंशियल रेड पॉइंट पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2. V3 क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3. V4 कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4. तुम जानते हो अब मैं क्या करूंगा, डू यू नो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या बोलेंगे इन चारों को, इन चारों को बोलेंगे अच्छा अच्छा तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो, तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो, मतलब तुम सबको मिलाना पड़ेगा, सिस्टम मतलब सब लोग एक साथ. तो सिस्टम का अगर तुम सब हिस्सा हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. अगर यहां पे ऐसे 10 चार्जेस होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 V10. टेक्निक काम आ रही है ना, पहले अलग अलग निकालो बाद में सिस्टम का हिस्सा है तो एक कर दो. तो क्या तुम्हें पता चल रहा है कि सब में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम है, कॉमन निकाल लो. अंदर क्या बचेगा, Q1 R1 प्लस Q2 R2 Q3 R3 Q4 R4, आपका फॉर्मूला तैयार. क्या बोलते हो, सिंपल एंड स्वीट. जितना इमेजिनेशन सही होगा और जितना आप इस चीज को ऐसे अंदाज में समझेंगे आपको ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया लगेगा. पर अगर आप इसको टेक्निकलिटी में ज्यादा घुसेंगे, आप देखेंगे अहिला वैसा ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं, आराम से करने का. सर फॉर्मूले में वन और क्यू भी होता है ना, क्यू वन क्यू टू कहाँ होता है फॉर्मूले में, क्यू वन क्यू टू रे गायत्री अहर, वो तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में होता है ना, क्यू वन क्यू टू. पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो कि पोटेंशियल पढ़ रहे हो, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ रहे, आप पोटेंशियल पढ़ रहे हो. पोटेंशियल में सिर्फ एक ही चार्ज होता है, पोटेंशियल एक चार्ज का लिखा जाता है एक पॉइंट पे, याद आया, लायन का पोटेंशियल एक पॉइंट पे. अगर मैं लायन के पोटेंशियल को डियर के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा. अब आप क्या कर रहे हो, इस लायन का पोटेंशियल यहां कितना है, 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 ये निकाला है. अभी तक से डियर की बात ही नहीं है, डियर कहानी में है ही नहीं, क्योंकि डियर की वैल्यू वन है, याद आया कल समझाया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब बन जाता है जब आपकी डियर की वैल्यू वन हो जाती है. डन डनाडन डन डनाडन, इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है. पर अभी हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. अभी हम क्या चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं जरा आपको बता देता हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमने पहले से ही पढ़ लिया है. क्या है फॉर्मूला इसका, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. किसी को याद आया, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, ये पहले से डन है, ये अपने दिमाग में पक्का, एवरीबॉडी सेइंग यस, याद आया. पोटेंशियल एनर्जी दो लोगों का याद है, दो लोगों का पोटेंशियल एनर्जी याद है, Q1 को यहां रखा था, Q2 को इन्फिनिटी से लेके आया था, उसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है. तो ये हम वापस नहीं करेंगे. अगली चीज हमें क्या करनी है, अगली चीज हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ
सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। यहां पे सिर्फ दो हैं, यहां पे एन है, एन मतलब अनगिनत, कितने भी हो सकते हैं। अब इन अनगिनत पॉइंट चार्जेस का हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? दो लोगों का तो निकाल लिया, अब दो लोगों के लिए अभी एन लोगों का कैसे निकालेंगे, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। तीसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और चौथा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर आपको सेकेंड वाला समझ जाएगा ना तो बाकी के इजीली समझ जाएंगे। और एक पांचवा वाला भी था ना, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपको नीचे के तीन दिखाई दे रहे हैं, नीचे के तीनों में एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड लिखा हुआ है, अगर आप थर्ड फोर फाइव ये चीज तीनों समझना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाला सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर सेकेंड वाला, आप सेकेंड वाले की कहानी अगर आपको समझ में आ जाए तो थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला बच्चों वाली। क्या सब लोग तैयार है सेकेंड वाला समझने के लिए? रेडी एवरीबडी? आज अपना एम है कि ये चारों निपटाने, ये चारों निपटे, अपना क्लास खत्म। तैयार? गिव मी यस और नो, ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द एक घंटा डेढ़ घंटा और आगे बैठने के, आराम से तैयार रहो। ठीक है, शुरू कर रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है हमारी, हमारी हेडिंग है, दिस विल बी द सेकेंड, हमारी हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बराबर है, या फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। मेरी बात ध्यान से समझे, सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को या एक से ज्यादा लोगों को हम एक साथ, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम एक सिस्टम मानते हैं। इसके पहले भी आपने सिस्टम देखा, सिस्टम में दो लोग थे हमारे पास। अगर आप ऊपर आके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक पे ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास यहाँ चार लोग थे, तो ये चारों के चारों लोग किसका हिस्सा थे, सिस्टम का हिस्सा थे। सिमिलरली अभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है एक सिस्टम के लिए। ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि सपोज कीजिए, जरा सपोज कीजिए कि आप एक मिनट क्लास, हाँ तैयार, देखिए n पॉइंट सिस्टम का मतलब क्या है, पहले एक बंदा इंफिनिटी से आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ऐसे डॉट डॉट करते करते n लोग इंफिनिटी से आए, बराबर। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये आप पहले से ही जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्या स्टोरी है इसके पीछे? इसके पहले स्टोरी ये थी कि सपोज करिए यहां पे एक चार्ज है,
उसका नाम है Q1, वो यहाँ पे अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था। फिर उसको पता चला कि उसके आस पड़ोस में एक जगह है जिसका नाम A है। उस जगह पे इंफिनिटी से कोई एक दूसरा चार्ज आके रहने वाला है। इंफिनिटी पे जो चार्ज था वो था Q2, वो चार्ज आके A पॉइंट पे रहना चाहता है। इस चार्ज को लाने में जितना आप वर्क डन करेंगे वो इस पूरे के पूरे सिस्टम की, सिस्टम में कितने लोग हैं फिलहाल, 2 लोग हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था पोटेंशियल ऑफ Q1 एट A मल्टीप्लाइड बाय Q2। क्या आपके दिमाग में लायन और डियर की कहानी आ गई? डियर यहां रहता है, उसको आके यहां पे पानी पीना है, तो क्या डियर के लिए इस बात का इंपॉर्टेंस है या नहीं है कि लायन का A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है या नहीं? जहां पे डियर पानी पीने आ रहा है वहां पे लायन का पोटेंशियल जानना जरूरी है कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? जहां पे डियर पानी पीने आने वाला है क्या वहां पे लायन के पोटेंशियल से डियर को, डियर का कुछ लेना देना है या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? कम ऑन, है पक्का? लायन का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? 1/4πε0। लायन की वैल्यू Q1 और लायन का डिस्टेंस A पॉइंट तक R, ये हो गया आपका लायन का पोटेंशियल। मल्टीप्लाई करिए डियर को, आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसी को आप अच्छे से लिखते हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 upon R, ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी और यही है होता है आपका वर्क डन। क्या ये बात 2 लोगों के लिए अप्लाई होती है? क्या आपको इस बात पे यकीन है कि ये बात 2 लोगों के लिए अप्लाई होती है? बराबर, ये बात आप पहले से ही जानते थे कि नहीं जानते थे? एवरीबडी से यस और नो इफ यू नो दिस थिंग, कि आप ये चीज पहले से ही जानते थे कि हाँ मैं ये चीज जानता था कि अगर हम 2 लोगों के लिए बात करेंगे तो इस तरह से मुझे सोचना है। एक लायन था, एक डियर था। डियर जहां पे पानी पीने आ रहा है, लायन का पोटेंशियल वहां पे कितना है पहले मैं वो लिखूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डियर से तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी, यानी कि मुझे मिल जाएगा कि डियर को वहां से यहां पानी पीने आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। डन। अब आंखें कान खुले रखना। अब Q3 सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है। अब Q3 इंफिनिटी से Q1 और Q2 के साथ रहने आ रहा है। पहले इस स्टोरी को अपने दिमाग में फिट करें। पहले Q2 आया, उसकी स्टोरी आपको पता है, पर आप इस बात को नहीं भूल सकते कि अब Q3 की एंट्री होने जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम फॉर एन पॉइंट चार्जेस, मतलब इंफिनिटी में बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे करते करते Qn तक लोग इंफिनिटी पे बैठे हुए हैं। अभी इंफिनिटी सिर्फ एक बंदा आया है, एक डियर पानी पीने के लिए आया है। डियर का पूरा समूह पानी पीने के लिए बेकरार है। डियर का पूरा समूह बाकी है। अब एंट्री होगी किसकी? Q3 की। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब Q3 पानी पीने आएगा तो क्या Q1 एंड Q2 इस बात से खुश होंगे? नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? Q1 तो लायन है, Q2 डियर है। आप सोचोगे कि सर लायन तो चलो खुशी नहीं मनाएगा कि उसके एरिया में कोई आ रहा है, वैसे आप सोचो लायन को तो खाने को मिल रहा है तो वो खुशी क्यों नहीं मनाएगा, पर ना खुश तो है ना, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है। तो Q1 पहले था, Q2 आया तो Q1 ना खुश हुआ, अब Q3 आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या इस बात से खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? ये दोनों के दोनों नॉट हैप्पी हैं। आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हैं कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, अब Q3 यानी कि तीसरा बंदा जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों लोग मिलके उसकी वाट लगाएंगे। ये वाला डियर बोलेगा अभी मैं चुपचाप पानी पीने के लिए आया हूं ना, तुम लोग ज्यादा ज्यादा आओगे तो शेर को पता चल जाएगा, जितनी तुम आवाज करोगे शेर को पता चल जाएगा यहां पे, मैं अकेला चुपचाप पानी पीने के लिए आया था ना, तेरे को क्या जरूरत है पीछे पीछे आने की मेरे? वो बोलेगा मेरे को पानी पीने का, मेरे को प्यास लगी है। आप फिर शेर और मैं दोनों नाखुश है? या आप ऐसे समझे कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, ना खुश तो इधर से दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कब खुशियां मनाएगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सपोज कीजिए यहां पे Q1 है, सपोज कीजिए यहां पे Q2 है, और ये एक पॉइंट है जहां पे Q3 इंफिनिटी से आके अपना बसेरा करना चाहता है। याद रखिए Q3 Q2 के साथ अपना बसेरा नहीं करेगा, नदी बहुत बड़ी है, जहां Q2 पानी पी रहा है जरूरी नहीं वहां पे Q3 पानी पिएगा, परंतु सवाल ये उठता है कि Q3 को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इसके मुकाबले भी करना पड़ेगा और इसके मुकाबले भी करना पड़ेगा, क्योंकि दो लोग उससे नाखुश हैं। जब Q3 मैदान में उतरेगा तो उसको इन दोनों के गुस्से का, इन दोनों के पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, और Q3 बोला मैं आके बी पॉइंट पे रहूंगा, तो Q1 का बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये आपको जानना जरूरी है, और Q2 का बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है आपको ये भी जानना जरूरी है। ऐसा मान के चलिए कि Q1 का बी पॉइंट पे R1 डिस्टेंस था और Q2 का बी पॉइंट पे R2 डिस्टेंस था, तो इन दोनों का क्या प्रभाव है बी पॉइंट पे वो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये बात नहीं भूल सकते कि जब आपने 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ाई की तो आपने पोटेंशियल ऑफ Q1 एट A देखा कि नहीं देखा, A कौन सा पॉइंट था जहां पे Q2 आके रहना चाहता था, तो तुमने Q1 की ताकत, तुमने Q1 का प्रभाव A पॉइंट पे देखा कि नहीं देखा? ये जो तुमने यहां फॉर्मूला लिखा है ये Q1 की ताकत A पॉइंट पे तो है, ये Q1 का पोटेंशियल A पॉइंट पे तो है, पर अब Q3 अगर B पे आके रहना चाहता है तो Q1 का प्रभाव B पे कितना है और Q2 का प्रभाव B पे कितना है उसको देखने की जरूरत हमें है, बिल्कुल है, और दोनों अपना मिलके प्रभाव B पॉइंट पे लगाएंगे। तो अब जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा? 1/4πε0 Q1/R1। कोई बता सकता है ये क्या है? कैन एनीबडी टेल मी ये मैंने क्या लिखा? 1/4πε0 Q1/R1 ये क्या है बताओ? बिल्कुल सही, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट बी बराबर प्लस 1/4πε0 Q2/R2। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q2 एट बी। ये है Q1 का प्रभाव बी पे, ये है Q2 का प्रभाव बी पे, दोनों के प्रभाव को मल्टीप्लाई करो जो पानी पीने आ रहा है। कुछ दिमाग में चमका। टू पॉइंट में क्या था? एक ही बंदे का प्रभाव था,
टू पॉइंट में क्या था, एक ही बंदे का प्रभाव था, जो पानी पीने आ रहा है उसको एक ही बंदे के प्रभाव का टेंशन था, वहां पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है। जब Q3 आया तो दो बंदे बैठे हुए हैं, तो B पॉइंट पे दोनों बंदे के प्रभाव को हमें ऐड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो पानी पीने के लिए आ रहा है। दिमाग में घुस रही है बात, दिमाग में बात घुस रही है कि नहीं घुस रही है? चलो इसको यहीं छोड़ते हैं, मुझे एक बात बताओ, Q4 की एंट्री, अब मेरी बात बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें अभी थोड़ा भी समझा है, यहां पे Q1 बैठा हुआ है, तैयार, कौन बैठा हुआ है यहां पे? Q1 बैठा हुआ है, यहां Q2 बैठा हुआ है, यहां Q3 बैठा हुआ है। अगले दिन इन तीनों को फोन आता है, ए हम Q4 बोल रहे रे। बोले कहां से बोल रहे हो Q4? हम इन्फिनिटी से बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए क्या करना चाहते हो? हम आके रहना चाहते हैं। बोले कहां रहोगे? हम ना एक हमने एक जगह देख ली है, तुमको क्यों बताया? बोले जगह बतानी पड़ेगी, तुम हमारे पास आके रह रहे हो। बोले एक जगह है, उसका नाम डी है, हम उधर आके रहना चाहते हैं। तो Q1 बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो डी नाम की जगह है ना, वो मेरे से R1 की दूरी पे है, समझा तू? Q2 बोलता है अबे ए, वो मेरे से R2 की दूरी पे है, समझा तू? Q3 बोलता है अबे ए, वो मेरे से R3 की दूरी पे है। तो Q4 बोला तो क्या करूं, हाँ तुम्हारे ऊपर आके थोड़ी बैठ रहा हूं, तुम्हारे घर में आके थोड़ी रह रहा हूं, मैं तो डी पॉइंट पे रह रहा हूं, तो तुम लोग मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो कि मेरे से R1 की दूरी पे है, मेरे से R2 की दूरी, मेरे को क्या करना है, तुम्हारे से क्या दूरी है? ये लोग बोलेंगे अबे गधे, तू क्या इंसान है क्या? तू चार्ज है, चार्ज, समझा क्या? तू इंसान नहीं है, तू चार्ज है। मैं पॉजिटिव हूं, Q2 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, और तू भी पॉजिटिव है, और तू बोलता है तू आके डी पे रहेगा और हम लोग चुप बैठेंगे? तुझे याद नहीं है बचपन में देखो सिखाया था कि हम लोग रिपल्शन करते हैं, तू भूल गया इस बात को? Q4 बोलेगा अबे हाँ बे। तो Q4 बोला आप क्या, Q1 Q2 Q3 बोले तुझे हम तीनों के पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, अगर तू डी पॉइंट पे आके रहेगा तो तुझे हम तीनों के पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा। Q4 बोलता है मैं फिर भी आने के लिए तैयार हूं, मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे पोटेंशियल का सामना करूंगा और मैं डी पॉइंट पे अपना बसेरा बसाऊंगा। तो W4 कितना हुआ रे बाबा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 का प्रभाव R1 पे, R1 यानी कि D पॉइंट पे, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का प्रभाव R2 पे यानी कि D पे, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 का प्रभाव R3 पे यानी कि D पे। ये हो गए सबके प्रभाव, मल्टीप्लाई करो जो पानी पीने आ रहा है, प्लस कैसे साईराज, सबके प्रभाव ऐड करने पड़ेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट करोगे? सब लोग मिलके डी पे प्रभाव डाल रहे हैं ना कि हर एक बंदा माइनस करेगा यहां पे? हा या ना स्टोरी के फॉर्म में समझते तो मजा आता ना, स्टोरी के फॉर्म में समझेगा तो मजा आता है ना, टेक्निकलिटी में घुसेगा ना बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी के बस की बात नहीं बनती। फिर तू खाली स्टोरी में देख, तू खाली स्टोरी में देख कितना मजा आ रहा है, तुझे फॉर्मूले याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि मैं ये ब्रैकेट्स क्यों डाल रहा हूं, तुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि इन सब का प्रभाव डी पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाय जो बंदा पानी पीने के लिए आता है वो। ऐसे करते करते आपको 5 चार्जेस दे दिए जाए, आपको 10 चार्जेस दे दिए जाए, आप इजीली लिख सकते हो। क्या कहते हो, मस्त है? नहीं समझ में आ रहा है पक्का? गेटिंग इट हाँ, सो क्लास यही था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंड पॉइंट सिस्टम, खत्म, सिंपल एंड स्वीट। क्या बोलते हो, मजा? क्या तुम्हें इस बात से तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है? सीखने को तुम्हें यह मिल रहा है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और कोई दूसरा चार्ज वहां पे आता है तो उसे पहले चार्ज का गुस्सा झेलना पड़ेगा, वही गुस्सा
उस चार्ज का पोटेंशियल होता है। अगर पहले से दो चार्जेस है और तीसरा चार्ज आना चाहता है तो उसको दोनों चार्जेस का गुस्सा झेलना पड़ेगा, यानी कि दोनों चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल झेलना पड़ेगा। तीन चार्जेस है, चौथा आना चाहता है तो तीनों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे वो आना चाहता है उस पॉइंट पे उसका गुस्सा क्या है, उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या है, वो झेलना पड़ेगा, तब जाके कहानी बनेगी। क्या आप अगले टॉपिक के लिए तैयार है? सी पॉइंट के तक तैयार है? ये था एन पॉइंट चार्जेस, अभी हम एक्सटर्नल फील्ड में जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? सेकेंड पॉइंट डन है क्या? आप तीसरे के लिए तैयार हो? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। यस, क्यू फोर आप एंड पॉइंट पकड़ सकते हो। एंड पॉइंट तक जाना मतलब क्यू फोर आपका एंड हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है। एन सिर्फ एक नंबर होता है, मतलब आप समझ जाओ कि चार लोग मतलब एन फोर है, दस लोग होते तो एन दस होता, एन इज जस्ट अ जनरल वैल्यू। सी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, पर चलो उसके पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते, एक न्यूमेरिकल कर, ठीक है। ये जो एन पॉइंट वाला मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया ना, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करता, ठीक है। तुम्हारा थोड़ा दिमाग और खराब कर देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल और पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क आता है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, देखो मजा आएगा, भाग मत जाना बस। यहां पे एक स्क्वायर है, यहां एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। यहां पे एक डायगनल उन्होंने बनाया हुआ है इस तरह से, ये डायगनल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में आपको लिख के देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पता है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ठीक है। अब जब हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट को, तो कंसेप्ट को पढ़ते वक्त इंसान कैसे पढ़ता है? अच्छा तू इंफिनिटी में रहता है, तू इधर आना चाहता है, तेरे को हम दोनों का प्रभाव झेलना पड़ेगा, हम तीनों का प्रभाव झेलना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कि चारों लोग आके एक जगह पे बैठ गए, तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, खबर है क्या? कुछ खबर नहीं है। क्वेश्चन ने बोला ये तुम्हें दिख रहा है, ऐसे चार लोग में से तीन लोग इंफिनिटी से आए हैं, समझो ये बंदा पहले से यहां पे था, ये तीन लोग इंफिनिटी से आए हैं, बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना, बताओ, जस्ट सी। तो ऐसे टाइम पे तुम क्या करोगे? क्या तुम ऐसे टाइम पे अपने कंसेप्ट को रिकलेक्ट करते बैठोगे कि सपोज करो क्यू वाला चार्ज पहले से यहां था तो फिर प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे आया, मतलब समझो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, इसको मैंने डी नाम दे दिया। समझो ए वाला चार्ज पहले से ही था, सबसे पहला बंदा जो इन्फिनिटी से आया वो बी वाला था, उसके बाद सी वाला बंदा आया, उसके बाद डी वाला बंदा आया, तो तुम क्या ऐसे दिमाग लगाते बैठोगे यार? बिल्कुल नहीं। तुम सीखोगे एक ट्रिक डायरेक्टली चीजें लिखने का, वो ट्रिक जरा ध्यान से सुनना। कंसेप्ट के टाइम पे कंसेप्ट, कंसेप्ट के टाइम पे कंसेप्ट, यही कंसेप्ट मैं वापस लगा रहा हूं, पर मैं तुम्हें ट्रिक की मदद से न्यूमेरिकल में उसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, जिससे तुम्हें सोचना ना पड़े कौन आया कौन गया, फिर किसने किसको मारा, कौन नाखुश हुआ, कौन पानी पीने आ रहा है, ये सब चीज कंसेप्ट समझने के लिए अच्छी लगती है, न्यूमेरिकल में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। देख टेक्निक है जोड़ियां टेक्निक। अब तुम बोलोगे सर कल शादी करवा रहे थे आज जोड़ियां बनवा रहे हो, वैसे जोड़ियां ही बन रही हैं,
आके देखना चाहते हो? अगर मैं इस Q4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो Q1 और Q4 की जोड़ी बनेगी, Q2 और Q4 की जोड़ी बनेगी, Q3 और Q4 की जोड़ी बनेगी, दिख रहा है? अगर ये Q4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, परंतु तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये क्वेश्चन में थोड़ी ना तुम्हें बताया कि पहले क्यू आया, ए पे आया, फिर बी आया, फिर सी। हो सकता है पहले डी आया, हो सकता है फिर सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, कुछ नहीं पता तुमको। इसलिए तुम जोड़ियां टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे पहले जोड़ियां टेक्निक लगाने के पहले तुम्हें हर एक बंदे के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस आर है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस आर है, सी और डी के बीच में डिस्टेंस आर है, और डी और ए के बीच में डिस्टेंस आर है। पर क्या तुम्हें डी और बी के बीच का डिस्टेंस पता है, ये डायगनल का डिस्टेंस पता है? ये भी पता होना चाहिए। ये जो डायगनल तुम्हें दिखाई दे रही है ये बनेगी आर रूट टू की, और ये जो एसी नाम की डायगनल तुम्हें मिल रही है ये मिलेगी तुम्हें आर रूट टू की। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इस बात का पता लगा सकते हो, बिकॉज ए डी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से तुम्हें आर और आर पता है तो तुम्हें डी बी पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम इज बिहेविंग लाइक एन डी बी इज बिहेविंग लाइक एन हाइपोटेन्यूज, वो तुम पता कर सकते, ठीक है? अब मैं जो लिखने जा रहा हूं जरा उसको ध्यान से देखना। 1/4πε0 मैं बाहर लिखूंगा, क्यू क्यू अपॉन आर प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस माइनस क्यू अपॉन आर। क्या किया मैंने? ए और बी की जोड़ी बनाई, क्यू और क्यू नीचे आर, बी और सी की जोड़ी बनाई, क्यू और क्यू, क्यू और माइनस क्यू नीचे आर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। माइनस क्यू की जोड़ी बनाई, नीचे उन दोनों का डिस्टेंस आर प्लस। अब किसकी जोड़ी बाकी है? डी और ए की जोड़ी बाकी है। डी और ए की जोड़ी क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर हो गया प्लस। अभी भी जोड़ियां बाकी हैं, अभी भी जोड़ियां बाकी है। अब देख मैं किसकी जोड़ी बनाता हूं, क्यू माइनस क्यू, समझ ए और सी की जोड़ी बनानी है, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितने का? आर रूट टू का प्लस। और अब डी और बी की जोड़ी भी बाकी है, तो ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर रूट टू, ब्रैकेट क्लोज। ये है आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ना ये देखने की जरूरत कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, कुछ देखने की जरूरत। टेक्निक यहां है ए बी सी और डी, बराबर। तुमने ए की जोड़ी बी के साथ बनाई, तुमने बी की जोड़ी सी के साथ बनाई, तुमने सी की जोड़ी डी के साथ बनाई, और फिर तुमने ए की जोड़ी डी की जोड़ी ए के साथ बनाई। चार लोग, दिस इज ए और बी की जोड़ी, बी और सी की, सी और डी की, और डी और ए की, खत्म। अगर ए और बी की जोड़ी बन गई है तो तुम उल्टा नहीं करोगे, बी और ए की जोड़ी नहीं बनाओगे। जोड़ियां एक ही बार बनती है, ए को बी से बनाओ या बी को ए से बनाओ। अगर लड़का लड़की से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करती है, एक ही बात होती है, उल्टा जोड़ियां नहीं बनाने का। अगर ए की बी के साथ बनी तो बी की ए के साथ ऑटोमेटिकली जोड़ी बन गई है। अब ढूंढो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जोड़ियां ना बनी हो, ढूंढो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जोड़ियां नहीं बनी। अगर ए की बी के साथ बनी है तो क्या ए की सी के साथ बनी है? नहीं बनी, ये लो बना लो, दिस इज ए की सी के साथ। तो क्या तुम सी की ए के साथ बनाओगे? नहीं। अगर ए की सी के साथ बन रही है तो सी की ए के साथ भी बन गई होगी। और क्या जोड़ियां नहीं बनी? और क्या जोड़ियां नहीं बनी? बी की डी के साथ नहीं बनी है, ये रहा बी के डी के साथ। अगर बी के डी के साथ बन गई तो डी की बी के साथ भी बन गई। अब तुम इसमें गिनो, क्या सबकी जोड़ियां बन चुकी है? सबकी जोड़ियां बन चुकी है, देख लो, चेक कर लो, और कोई ऐसी जोड़ी ढूंढ के निकालो जो इसमें नहीं दिख रही हो तुमको।
पर तुम क्या इस बात का ध्यान रख रहे हो, जब तुमने ए और सी की जोड़ी बनाई तो तुमने डिस्टेंस ए और सी के बीच का पुट किया, दैट इज आर रूट टू, ये देखो नीचे आर रूट टू। जब तुमने बी और डी की जोड़ी बनाई तो तुमने डिस्टेंस नीचे आर रूट टू पुट किया, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन वैसे भी बाहर निकाल लिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूले में वैसे भी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन मेन फॉर्मूले में कॉमन आता ही है। क्या बोलते हो जोड़िया टेक्निक में मजा आया? क्लासिक क्या कहते हो, समझ में आया? कमॉन कमॉन कमॉन, इस तरह से निकाला जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझने के लिए लायन और डियर न्यूमेरिकल में ये टेक्निक, जोड़िया टेक्निक। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे, जल्दी बोलो बैठा क्या दिमाग में? देख लो एक बार अच्छे से, पक्का अगर यही सेम चीज ट्राइंगल में आएगी तो भी तुम कर सकते हो। स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, सिर्फ जोड़ियां बनानी है सबकी, ऐसे लिख के जोड़ियां बनानी है। बस इस बात का ध्यान रखो कि ऐसे लिख के जोड़ियां बनाओ। सर इसमें प्लस माइनस चेंज नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस क्यों चेंज होगा? ये अंदर का आगे का बोल रहे हो क्या? हाँ आगे का होगा ना चेंज, आगे का चेंज होगा ना। ये प्लस और माइनस है तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस है तो ये प्लस रहेगा, माइनस एंड प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। वो तुम कैलकुलेशन बच्चों वाला कर सकते हो ना। आगे का सॉल्विंग तो तुम कर ही सकते हो, उसका टेंशन नहीं मुझे, यहां तक लिखना जरूरी था। आगे बढ़ू? आर यू श्योर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? हाँ, अब जो अगला टॉपिक है सी टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एकदम सिंपल और मस्त टॉपिक, दो लाइन में खत्म होने वाला टॉपिक, पर थोड़ा नॉलेज लगेगा, थोड़ा नॉलेज लगेगा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड का मतलब होता है कहीं पे एक फील्ड है, इस तरह से ये एक फील्ड है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रही है। आपने फील्ड तो देखी होगी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होती है। ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक चार्ज है जो इंफिनिटी पे रहता है, उसका नाम क्यू है। ये चार्ज जो इंफिनिटी पे रहता है, उसने इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा जाहिर की? वो बोला मैं इधर आके रहूंगा, कहां रहूंगा? इधर। मैं ऐसे ऐसे आऊंगा और मैं इधर अपना बसेरा करूंगा। उसके दोस्त लोग ने पूछा, पागल तुझे पता है कि तू कहां रहने जा रहा है? तो उसने बोला, पता है, मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रहने जा रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि तू जानता है कि इस बात से एक्सटर्नल फील्ड खुश नहीं होगा? वो बोलता है, मैं जानता हूं इस बात से एक्सटर्नल फील्ड खुश नहीं होगा।
तो लोगों ने उससे पूछा कि तुझे वहां पहुंचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसने ये कहा कि देखो, तुमने ये देखा था ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जब जाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को उस जगह पे पहले से ही रहने वाले चार्ज के पोटेंशियल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जब जाते थे तो वहां एक्सटर्नल फील नहीं हुआ करती थी, वहां पे एक चार्ज हुआ करता था। पर क्या तुम ये बात जानते हो कि जो चार्ज है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा करता है, चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा करता है। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग उस चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सामना करते थे, मैं भी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सामना करूंगा और उतना वर्क डन करके मैं यहां पे रहने चले जाऊंगा। तो उसके दोस्तों ने कहा, वाह क्या सीखा है बड़े बुजुर्गों से। तो उसने पता लगाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होती है और वो जहां रहने जा रहा है वहां तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल V है। समझो ये पॉइंट एक R डिस्टेंस पे है। सो इस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का VR नाम का पोटेंशियल है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली टेस्ट बुक या न्यूमेरिकल्स में तुम्हें इसकी वैल्यू दी जाएगी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल एक डिस्टेंस आर पे इतना इतना है, और अगर वहां पे किसी चार्ज को आके रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ये क्या है, व्हाट इज वी आर, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एफ आई ई एल डी फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। ये बात ना भूले, जहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है वहां से वो डिस्टेंस आर नापा जाता है। तो बड़े बुजुर्गों के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का मल्टीप्लाइड बाय क्यू आपका वर्क डन, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी। काम खत्म। इतना सा टॉपिक था, मैंने पहले ही कहा था अगर आपको सेकंड टॉपिक समझ में आ जाएगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि सेकंड टॉपिक की इंफिनिटी से जो बंदा आता है उसको वहां पहले से ही रहने वाले लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। पहले चार्जेस रह रहे थे, अभी यहाँ पे चार्जेस नहीं है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड है, तो तुम्हें एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा झेलना पड़ेगा जहां पे तुम आके रहना चाहते हो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल वी आर है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये टेक्निकल में वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू दी जाएगी। तो सामने वाले भाई का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय जो पानी पीने आ रहा है, यही तो तुमने सीखा है अभी तक से। हो गया खत्म। क्या बोलते हो, डन? पक्का डन है? पक्का एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा, एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा उस पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है, वही करते हो ना अभी तक से। तुमने क्या किया है अभी तक से, जब Q3 आया, Q3 ने किसका गुस्सा झेला, Q1 का, Q2 का गुस्सा झेला कि नहीं झेला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q2 एट B मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है। तो अगर यहां पे चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना मेरे भाई। रेडी फॉर नेक्स्ट? सी पॉइंट को डन कर दू? रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई करो सब लोग, सी पॉइंट को डन करू, क्योंकि डी पॉइंट और इंटरेस्टिंग है। डी पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें डी पॉइंट में मजा क्यों आएगा मैं तुम्हें बताता हूं। देखो मैं डी पॉइंट पहले लिखता हूं, डी पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है पता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या समझा, क्या समझा? इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले एक चार्ज इंफिनिटी से आया था, अब क्या,
आप दो चार्ज इंफिनिटी से आने की प्लानिंग कर रहे हैं, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, एकदम जासूसी वाला माहौल बनाने का, एकदम सास बहू की तरह सोचने का। सपना विश्वकर्मा, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? चलो उनको बोल दिया मैंने, उनका प्रॉब्लम है, बढ़िया। चलो सबसे पहले मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चुपचाप बना लेता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं बनाता हूं, ठीक है? ये एक जगह पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है? ये एक जगह पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है? स्टोरी बिल्कुल अच्छी तरह से समझना और सास बहु मोड बाहर निकालना, सास बहु की तरह सोचना शुरू करने का अपने को, ठीक है? यहां पे एक जगह है जिसको बोलते हैं इंफिनिटी, वहां पे दो चार्जेस अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन Q1 वाले चार्ज ने बोला मैं ना जा रहा हूं, Q2 बोला कहां जा रहा है बे? बोला मैं जा रहा हूँ कहीं और रहने के लिए। बोला कहाँ जाएगा? बोला सामने तुझे लाल कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? बोले हाँ मैं वहां जा रहा हूँ रहने के लिए। Q2 बोला अबे पागल हो गया क्या, वो थोड़ी तुझे वहां रहने देगा। तो Q1 में ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा ना, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल झेलना पड़ेगा ना, झेल लूंगा, वही तो करते आ रहे बड़े बुजुर्ग, हम भी झेल लेंगे, की फर्क पैदा। तो Q2 बोला जा तू जा, मैं नहीं आऊंगा, जा जा। Q1 बोला मैं जा रहा हूं बाय। Q1 ने डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक R1 नाम की जगह है वहां पे अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहेगा, ठीक है? तो बताओ वर्क डन उसे कितना करना पड़ा, किसको किसको किसको? Q वन वाले बंदे को कितना वर्क डन करना पड़ा? पोटेंशियल वी आर वन, यानी कि ये पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड का आर वन पे, मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? क्या तुम जानते हो ये क्या है? वी आर वन क्या है तुम जानते हो ना? वी आर वन क्या है तुम जानते हो या नहीं जानते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर वन, राइट? किसका किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर वन? ड्यू टू कौन रे बाबा? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। पहले मुझे बताओ इतनी बातें तुम्हें समझ में आई क्या नहीं आई, बोलो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि दिस इज द वर्क डन दैट हैज टू बी डन बाय क्यू वन टू कम एंड स्टे एट दिस पॉइंट? बराबर, ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ पता है? थोड़े दिनों के बाद Q2 को Q1 की याद आने लग गई। Q2 बोला मैं भी तेरे साथ आके रहूंगा। तो Q1 बोला नहीं 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 चलेगा ऐसा। तो Q2 बोला क्यों बे? तो Q1 बोला तू मेरे को छोड़ के गया था ना। तो Q1 बोला तो अगर तू यहां आके रहेगा तो तू ये बात भूल रहा है ना कि मैं भी पॉजिटिव हूं तू भी पॉजिटिव है। अगर तू यहां आके रहा तो मुझे भी तेरे पे हमला करना पड़ेगा, तुझे मेरा भी गुस्सा झेलना पड़ेगा, प्लस तुझे एक्सटर्नल फील्ड का भी गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो Q2 बोला मैं तेरे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, प्यार अंधा होता है। Q2 बोला मैं एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा भी झेलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा गुस्सा भी झेलने के लिए तैयार हूं। तो Q2 बोला इतना ही प्यार में अंधे हो तो आ जाओ फिर। बोले कहां आके रहोगे, कहां पे वो तो बताओ, कहां आके रहोगे वो बताना जरूरी है ना, कहां आके रहोगे, है ना? तो Q2 बोला मैं इधर आके रहूंगा, आई विल स्टे हियर। तो यहां पे Q1 अपनी जिंदगी बिता रहा था, Q2 बोला मैं इधर आऊंगा, तो ये डिस्टेंस R2, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टिल द पॉइंट जहां पे Q2 आने का सोच रहा है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। लेट मी टेक दैट डिस्टेंस एज R12।
यहां पे Q3 आने का सोच रहा है। तो दोनों के डिस्टेंसेस हमें देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब तुम पोटेंशियल लिखते हो तो दोनों के डिस्टेंसेस लिखते हो। अब वर्क डन जब हम सेकंड का निकालेंगे तो सबसे पहले Q2 को किसका गुस्सा झेलना पड़ेगा? Q2 को एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा झेलना पड़ेगा। एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा है VR2। देखो R2 पे एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा, प्लस उसे गुस्सा झेलना पड़ेगा Q1 का। तो Q1 का गुस्सा क्या होता है? 1/4πε0 Q1/R12। दोनों का गुस्सा हो गया मल्टीप्लाइड बाय Q2, काम खत्म। जिसको समझा उसको समझा। चेक कर लो VR2 क्या है, तुम्हें समझा VR2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का कहां पे? R2 पे। R2 कौन सी जगह है? R2 वो जगह है जहां पे Q2 आके रहना चाहता है। तो तुमने R2 जो डिस्टेंस नापा वो तुमने एक्सटर्नल फील्ड से नापा ना, और तुमने Q1 और Q2 के बीच की दूरी को R12 लिया, क्योंकि तुम्हें यह बताना है ना कि Q1 का पोटेंशियल यहां पे कितना है, Q1 यहां पे कितना गुस्सा दिखाएगा, तो तुम्हें उसके बीच का डिस्टेंस जरूरी है कि नहीं, R12। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट R12, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एट R2। दोनों का गुस्सा, एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा, Q1 का गुस्सा, दोनों का गुस्सा मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है। क्या बोलती पब्लिक? है स्टोरी में मजा है? अगर ना तुम ये सिर्फ देखोगे ना, तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा जब तक तुम मेरी आवाज के साथ इस चीज को नहीं सुनते हो। मतलब ये चैप्टर इज मस्ट ऑन YouTube। नोट्स देख के तो कोई नहीं समझ पाएगा ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। Nobody will understand why you have written W1 is equal to V times R1 into Q1। पर जब मैं ये बोलता हूं ना कि Q1 जब आया तो उसने एक्सटर्नल फील्ड का गुस्सा झेला मल्टीप्लाइड बाय Q1 पानी पीने आया, पर जब Q2 आया तो उसने दोनों का गुस्सा झेला, एक्सटर्नल फील्ड का भी और Q1 का भी मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है, बस काम खत्म हो जाती है बात। आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक से भाई इससे आसान तरीके से कहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं भी पढ़ लूंगा वहां से। अभी हमारी टेक्निक्स है, हमें लगता है कि ये टेक्निक से समझ में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक स्टोरी की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि when there is a story, then it is a very very easy to understand a thing. It's very very easy to understand. अभी स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें सास बहू के मोड में इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि तुम समझो कि जब भी कोई आता है तो उसको किसी और को गुस्सा आता है। बस इतनी सी स्टोरी है। आगे बढ़े, लास्ट एंड फाइनल चीज देखे। तुमने आधी जर्नी तुमने पूरी कर ली, एक घंटे में तुमने कितनी जर्नी पूरी कर ली। लास्ट एंड फाइनल थिंग है, दिस इज द ई पार्ट। क्या था ई पार्ट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यहां पे कोई भी सास बहू वाला सीरियल यहां पे नहीं चलेगा। लास्ट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, एक अलग तरह का लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सपोज करो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि तुम खाली एक बार ये नोट्स और तुम ये वीडियो एक बार अगर वापस शांति से बैठ के देखोगे, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक से प्यार करने लग जाओगे। मैं लिख के देता हूं, इतनी आसान चीज है ना, कि कोई चैप्टर ही इतना आसान नहीं है, पर बच्चे ने उसको क्या करके रखा। जब बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ता है ना, उसको लगता है क्या लिखा हुआ है,
कहां से आ रहा है वी वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन, फिर लिखता है ऐसा, फिर मतलब बच्चा टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये देखता है एंड ही इज लाइक व्हाई, व्हाट इज वी आर वन, क्या है वी आर वन, उसको यही नहीं पता। फिर लगता है अगले सेंटेंस में इसको भी ऐड कर दिया, ये क्यों ऐड किया। पर व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट इज अ सीरीज ऑफ स्टोरी, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एक बंदा आया, फिर दूसरा बंदा आया, एक बंदे ने पहले वाले बंदे का गुस्सा झेला, दूसरा बंदा आया तो उसने उसने पहले दोनों का गुस्सा झेला, लायन और डियर, मस्त एकदम सिंपल लगेगा। एक बार खाली शांति से बैठ के सब देख लेना ये सब चीज, मजा आ जाएगा। मैं लिख के देता हूं तुम लोग के बाद, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल भाई साहब अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। डायपोल से हमारा पुराना रिश्ता है, हम जानते हैं कि डायपोल का मतलब होता है कि एक जगह पे माइनस क्यू नाम का चार्ज, एक जगह पे प्लस क्यू नाम का चार्ज। तो हमें ये बात पहले से पता है, हमें ये बात भी पता है कि एक डायपोल की टोटल लंबाई, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई 2L की होती है, इसी को डायपोल की लेंथ बोला जाता है। ये सबका डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ, पर क्या आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक डायपोल एक्सटर्नल फील्ड के साथ एक थीटा नाम का एंगल बनाता है, एंगल मेड बाय कौन रे बाबा, डाइपोल, किसके साथ, विथ एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के साथ एक एंगल बनाता है, उस एंगल का नाम है थीटा। तो एक्सटर्नल फील्ड इस डाइपोल को गोल गोल घुमा सकती है, क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड इस डाइपोल के साथ टकराती है तो डाइपोल में एक यहां फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यू ई, और डाइपोल में एक फोर्स यहां भी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज माइनस क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई, 11वीं क्लास में सिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहां पे एक क्यू ई नाम का फोर्स लग रहा है, यहां पे माइनस क्यू ई नाम का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी कि ये फोर्सेस एक कपल बना रहे हैं। यहां पे मेरा कोई जोक करने का इंटेंशन नहीं था, सच में कपल नाम की एक चीज फिजिक्स में होती है। कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और एक कपल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 11th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, यानी कि आपका डाइपोल घूमने लगेगा। आपका डाइपोल जब घूमता है, यानी कि उसका टॉर्क का फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगेन दिस वाज इन 11th स्टैंडर्ड। आपका डाइपोल जब घूमता है तो वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर से घूमता है, और आप इस चीज को लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है। पी इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू टू एल, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था।
यानी कि अगर आप डायग्राम में डायपोल मोमेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका ड्रॉ, यहां पे चुपचाप लिखिए पी वेक्टर। कहां से कहां तक ड्रॉ किया मैंने पी वेक्टर? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक मैंने ड्रॉ किया। जानकारी है अच्छी खासी, याद रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और आप टॉर्क में घुस गए। अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर किसी बंदे के पास टॉर्क है और वो घूमी घूमी कर रहा है तो वो एक तरह का वर्क डन कर रहा है, क्योंकि वर्क डन कैन बी टाउ डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। क्योंकि अगर ये घूमेगा तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज घूमती है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। अगर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो वर्क डन का फॉर्मूला टाउ इनटू डी थीटा भी हो सकता है। जैसे फोर्स इनटू डीएस लिखते थे, टाउ इनटू डी थीटा भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच में घूमी घूमी कर रहे हैं, तो आपका थीटा इनिशियल और आपका थीटा फाइनल हम यही रखते हैं। टाउ की वैल्यू क्या है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ होता है पीई साइन थीटा, और वैसे भी डी थीटा पहले से ही यहां पे है। पीई को आप बाहर निकालें, अंदर बचेगा माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का समय आ गया है। माइनस कॉस थीटा फाइनल माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वर्क डन बराबर पीई, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इनिशियल पहले क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा फाइनल बाद में। ये आ गया आपके वर्क डन का फॉर्मूला, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। कृपया इसको पोटेंशियल एनर्जी ना समझे, ये डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको यू से डिनोट कर देता हूं, पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। यहां पे उन सब चीजों का कोई नहीं है, कोई चार्ज आ रहा है जा रहा है ऐसा नहीं है। अगर आप एक डायपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तो वो घूमी घूमी करता है, उस घूमी घूमी के बेसिस पे ही हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व करके निकाल लिया। बस इतना याद रखिए, डायपोल का इनिशियल एंगल थीटा वन था, थीटा आई था, और घूमने के बाद डायपोल का एक फाइनल एंगल होगा, बस उसी बेसिस पे इंटीग्रेशन मार दिया, दो लाइन का इंटीग्रेशन, फाइनल फॉर्मूला हाजिर। क्या कहते हो? मस्त, चेक कर लो। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। कम ऑन, कम ऑन, सिंपल एंड स्वीट। वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। इसी के साथ आपके आपका पूरा मेन्यू खत्म होता है। वो मेन्यू जो मैंने पिछले लेक्चर में शायद लिखा था ना, पिछले लेक्चर में मेन्यू कहाँ है मेन्यू? ये रहा मेन्यू, ये पिछले लेक्चर का मेन्यू है। ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तीन टॉपिक हमने पढ़े, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये तो पहले पढ़ रखा था। सिस्टम ऑफ चार्जेस आज पढ़ा, सिस्टम ऑफ चार्जेस सिंगल चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा,
और अभी पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। इतनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली, देखा जाए तो सब चीज काफी आसान। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बैठ के ये सारे के सारे चीजें वीडियो के साथ एक बार देखें, सबके फॉर्मूलेज एक साथ एक जगह पे लिखें, ताकि आप बाद में कंफर्टेबल महसूस करें जब आप इस टॉपिक्स को देख रहे हैं या आप एंट्रेंस या एमएसटी सीटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, वरना तब इन सब चीजों से आप दूर भागोगे। हालांकि यह सब चीजें बहुत सिंपल। अगला मेन्यू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मेन्यू डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगले मेन्यू में हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। टोटली डिफरेंट मेन्यू है, पिछले मेन्यू का और अभी का कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ ये समझना है कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, या वर्किंग कैपेसिटर का, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर करता क्या है, हमें वो समझना है। उसके बाद हमें समझना है कैपेसिटर को सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हमें समझना है कैपेसिटर की एनर्जी। बस ऐसे एक दो तीन टॉपिक बाकी हैं, एक और या दो टॉपिक ऐसे बाकी हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर ही पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। सो मेनली द चैप्टर इज कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपने सुना भी होगा कि कैपेसिटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल है, इसमें इतना कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं, वो मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। पर आपने इसका पहले वाला पार्ट अच्छे से करके आना है, आपने ये सब अच्छे से करके आना। 1.4 तक, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.1 भी गॉस वाला, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये सब चीज पहले ढंग से करके आ जाओ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर चालू करें। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।